नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड की वादियां खूब भा रही हैं। फिल्म निर्माता और अभिनेता आजकल उत्तराखंड में कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अक्षय कुमार, शहबाज खान भी उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। साउथ फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन भी कुछ दिन पहले उत्तराखंड घूमने आए थे, तो वहीं अब उत्तराखंड के पलायन पर यूं ही फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी। दरअसल फिल्म निर्देशक अंकुर मान ने बताया कि ये फिल्म एक लव स्टोरी पर बनाई गई है, जिसमें उत्तराखंड की खूबसूरती को भी दर्शाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी वो कई बार उत्तराखंड आ चुके हैं और पूरे उत्तराखंड को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, जिसमें उन्हें पलायन एक बड़ा मुद्दा दिखाई दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि फिल्म यूं ही का निर्माण करने का मकसद भी पलायन को लेकर है और इस फिल्म में पहाड़ से हो रहे पलायन के दर्द को दर्शाया गया है और पलायन को रोकने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि अंकुर मान पहले भी रामलीला, जन्नत 2, अलीगढ़ जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जबकि गदर 2 की शूटिंग अभी भी चल रही है। वहीं यूं ही फिल्म को SNN और मेडी फिल्म की ओर से दर्शाया गया है। बता दें कि फिल्म की पूरी शूटिंग उत्तराखंड के चकराता टिहरी डोईवाला क्षेत्र में हुई है। इस दौरान अभिनेता निखिल चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत सुंदर लोकेशन है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सरकार भी फिल्म बनाने के लिए मदद कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में बड़े बड़े फिल्म निर्माता अपनी फिल्म बनाने के लिए उत्तराखंड आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी SNN फिल्म्स अभी ये ऑफिस अभी ओपन किया है और यहाँ के लोकल कलाकार को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे आकर। SNN फिल्म्स सोहन उनियाल जी हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं एज ए प्रोड्यूसर और इस फिल्म यूं ही का निर्माण किया गया अभी और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता कहानी के बारे में, बट ये एक लव स्टोरी है जिसमें पलायन एक बहुत ही मेन एंगल है, जिसकी वजह से वो लव स्टोरी पूरी मतलब क्या बोलेंगे पूरी बेस्ड है लव स्टोरी। तो पलायन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं उत्तराखंड काफ़ी सालों से घूमता आ रहा हूँ, तो मैं जगह जगह घूमाऊँ तो मेन जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो पलायन की है। तो मेरा कोशिश, थोड़ी सी कोशिश मैंने की है इसमें कि वो पलायन का जो दर्द है लोगों का वो थोड़ा सा आ सके और शायद फिल्म देख के हमारी लोग वापस अपने घर अपनी जड़ों में आ सकें।